क्या कमीशन खोरी का भी यहाँ चल रहा है? कमीशन भी? हाँ, कमीशन लेते हैं। जब पहले तो कछु नुकसान हो जाते हो, बटरा सड़ गए तो पैसा मिल जाते। पहले जो सरकार है हाथी, अब पैसा मिले नहीं, तुम्हारा 600 रुपये एकड़ कट रहा हो बीमा को। हमारे 5-6 जब से भी लग रहा हूँ बीमा दे रहा हूँ, नुकसान हो सड़क होते एक दानो नहीं भाव, एक पंजी नहीं मिली। बिक तो 3 बजे गया जी, पर तुलाई हो सकता है को 8 बज जाए जी। इस प्रकार की व्यवस्था है। आज तो बहुत कम गाड़ियाँ हैं जी, अभी 2 दिन तो इतना जाम लगा रहा है यहाँ के गेट से लेकर के मंडी तक। कैसे उपज जो होते मिल रही है और उपज का जो रेट है कैसा मिल रहा है आप लोगों को? रेट तो बहुत कम मिल रहा है जी। क्या है अब किसान का इसमें तो 300 रुपया तो 400 रुपया तो लेबर को चला जाता है, तुड़ाई का है, तुड़ाई का और खाद बीज वो सब समस्याएं बोनी होनी की, इसमें 2 रुपए भी नहीं बच रहा किसान को। किसान की रंजा मजदूर तो 300-400 कमाई रहो, किसान के कुछ नहीं है। 25,000 रुपये एकड़ का खर्चा है और बिक कितने क्यों रहो? एकड़ भर में ज्यादा 30 बोरा, कोई को 40 बोरा और बिक रहा हो 12 रुपये 11 रुपये। 50 किलो 900 ग्राम मटर है, अच्छा। तो 900 ग्राम को भी ले लेते हैं और 1 किलो अलग से एक्स्ट्रा लेते हैं। मतलब अगर 50 किलो की बोरी है तो उसमें 51 किलो के करीब लिया जाता है। 51 किलो 800-900 ग्राम एक्स्ट्रा है उसकी कोई गिनती। यहीं पे खरीदी हो जाती है, जिसका बिक गया तो ठीक और नहीं बिका तो वापस भी ले जाता है। नमस्कार, मैं हूँ अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार। इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर की कृषि उपज मंडी के गेट नंबर 2 पर और आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कि यहाँ मटर से भरी हुई गाड़ियाँ कितनी भारी तादाद में यहाँ पर खड़ी हुई हैं। आइए कुछ लोगों से हम बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की किसानों का हाल क्या है, साथ ही साथ मटर उत्पादन के बाद इसके यातायात के प्रबंधन में लगे हुए जो लोग हैं तो वो किस नज़रिए से इस चीज़ को देखते हैं। आपको बता दें कि पिछले वर्ष जबलपुर के मटर को एक इंटरनेशनल ब्रांड बताते हुए जिला प्रशासन ने एक जिला एक उत्पाद के तहत मटर को जबलपुरिया मटर ब्रांड के नाम से बेचने का फैसला किया था, लेकिन उस फैसले का किसानों के उपज पर, किसानों की मेहनत पर क्या असर पड़ा है, साथ ही साथ उनके व्यवसायिक अगर लाभ की बात करें उस पर क्या असर पड़ा है, इस बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत करते हैं द खबरदार न्यूज पर, आप किसान हैं जी, आपका परिचय जानना चाहेंगे। सुदर्शन पटेल, ग्राम हर्राई। तो आपके भी गाड़ी में मटर यहाँ पे लदा हुआ है जी। तो ये मटर कहाँ के लिए ले जा रहे हैं आप? यहीं बिक गया है। अच्छा, पर अभी तुलाई नहीं हुई है, बिक तो 3 बजे गया है जी, पर तुलाई हो सकता है को 8 बज जाए जी। इस प्रकार की व्यवस्था है। आज तो बहुत कम गाड़ियां हैं जी, अभी 2 दिन तो इतना जाम लगा रहा है यहाँ के गेट से लेकर के मंडी तक। तो ये मटर तो जैसे कच्ची फसल होती है, 1-2 दिन में खराब हो जाती है, फिर भी इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, सरकार प्रशासन क्या करता है इस बारे में? कुछ नहीं करता है। और जैसे जबलपुर के मटर को एक ब्रांड बनाया गया, इंटरनेशनल लेवल पे भी बेचने की बात की गई, लेकिन किसानों पर इसका क्या असर हो रहा है? इंटरनेशनल तो वो तो कागजी कार्रवाई है, आज वो कंडीशन है कि 10 रुपया किलो से लेकर 12 रुपया किलो मटर बिक रहा है। अभी क्या रेट अभी, मिला आपको? अभी मैंने तो बेचा है 12 रुपया किलो जी। इसमें लेबर की तुड़ाई नहीं निकल रही, गाड़ी वाले का भाड़ा नहीं निकल रहा, अब मजबूरी है, अब लाए हैं फसल तो उगा लिए हैं तो अब तो बेचना ही नहीं पड़े, क्योंकि नहीं तो अब ये लाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे, वो सड़ जाएगा जी। तो इस प्रकार की व्यवस्था है। क्या कमीशन खोरी का भी यहाँ चल रहा है? कमीशन भी? हाँ, कमीशन लेते हैं। लगभग क्विंटल पे कितना तक? वो परसेंट लेते हैं, 5%, 100 में 5% जी। तो मतलब 1 क्विंटल आपने 1200 का बेचा तो 5% तो कमीशन ही चला गया। हाँ। इसके अलावा और क्या व्यवस्था है यहाँ पर? पल्लेदारी 7-8 रुपए पल्लेदारी लेते हैं, पल्लेदार। तो ये जो जैसे यहाँ पर वजन हो रहा है, वजन होने के लिए क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके से वजन किया जाता है? लोग जैसे आप काफी टाइम से खड़े हुए 3 बजे से, तो आखिर आपका वजन क्यों नहीं हुआ है, क्या कारण है? अब वो व्यापारी, वो जब उनकी तौल आएगी, जब हम तुलाई करवाएंगे। मतलब आप लोगों ने फसल को बेचा है, अब व्यापारी इसको वेट करेंगे, वेट करने के बाद फिर व्यापारी जो है दूसरी जगहों पर ले जाते हैं, तो काफी समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है।
तरीके से उपज जो है मिल रही है, और उपज का जो रेट है कैसा मिल रहा है आप लोगों को? रेट तो बहुत कम मिल रहा है जी। क्या है अब किसान का इसमें तो 300 रुपया तो 400 रुपया तो लेबर को चला जाता है, तुड़ाई का और खाद बीज वो सब समस्याएं बोनी होनी की, इसमें 2 रुपए भी नहीं बच रहा किसान को। तो सरकार जो है तो जिला प्रशासन जो दावे करता है वादे करता है कि अब तो जबलपुर के किसानों को, जबलपुर मटर वालों को जो है तो अच्छी खासी पेमेंट मिलेगी, तो उसका क्या है जो है तो कागज पे ही बस रह गया क्या? बस वो इसके अलावा क्या है, वो पेमेंट है तो यहाँ पे भी अब ला रहा है तो 1 किलो तो बोरे पे 1 किलो वो कट रहा है। क्या कट रहा है बोरे पे 1 किलो? जिंदा मतलब 1 किलो मटर कटता है, मतलब 50 किलो मटर अगर होगा तो 51 किलो, 70 किलो के ऊपर है तो 2 किलो कटेगा। अच्छा 51 किलो 50 किलो 900 ग्राम मटर है। अच्छा। तो 900 ग्राम को भी ले लेते हैं और 1 किलो अलग से एक्स्ट्रा लेते हैं, मतलब अगर 50 किलो की बोरी है तो उसमें 51 किलो के करीब लिया जाता है। 51 किलो 800-900 ग्राम एक्स्ट्रा है, उसकी कोई गिनती नहीं होती। 12 रुपए वहाँ भी गए, वो भी गए, 50 रुपए कमीशन भी गए, वो भी गए, और लेबर भाड़ा जो यहाँ पल्लेदार है उनका भी 8 रुपए गया, वो भी गया, वो बोरे पे जाता है, हर बोरे पे। तो काफी सारी समस्या है, और क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से कि मतलब क्या होना चाहिए जो है तो जो आप लोग के साथ जी? क्या है देखो, कुछ नहीं तो कम से कम ये इतना तो 1000 रुपए कुंटल तो बचे, 1500-1600 रुपए के रेट भी, किसी का 1200 बिक रहा, किसी का 1300, किसी का 1000 रुपए है तो, और कोई किसान अब 1-2 एकड़ में लगाए तो वो तो क्या है, उसकी तो कहानी खत्म है। जैसे धान वगैरह का जो उपार्जन होता है जी, तो उस पे एक न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है जी। क्या मटर की फसल के लिए, हरे मटर के लिए भी कोई ऐसा प्रावधान है? नहीं अभी तो सर ऐसा कोई प्रावधान नहीं, मतलब व्यापारी जिस रेट पे खरीद लेते हैं उसी रेट पे किसान को बेचना पड़ता है। 8 दिन पहले 2500-2600 रुपए बिका है और अब एकदम से 10-1200 रुपए सीधे मंडी आ गई उसमें, तो किसानों की काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा जी। बहुत दिक्कतों का सामना है, वो भाड़ा भी अब मान लो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर से मटर लेके आ रहा है, 4-5 हजार रुपए तो गाड़ी वाला ले लेता है। और जैसे आप लोग रात को भी यहाँ पे रहते होंगे तो मंडी प्रशासन के द्वारा कोई प्रबंध किए गए हैं यहाँ पर? नहीं नहीं सर, यहाँ रात नहीं रुकते हैं, यहीं पे खरीदी हो जाती है, जिसका बिक गया तो ठीक और नहीं बिका तो वापस भी ले जाता है। वापस ले जाना पड़ता है फिर दूसरे दिन आने के लिए? आपका नाम क्या? सूरज। तो आप भी किसान है या जो है? मतलब हम व्यापारी रहते हैं, मतलब मंडी में अपन मजदूर इंसान है, मतलब इनका देखते रहते हैं, मतलब ये बेचता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आधा सिलाई मारते हैं वापसी चला जाता है, मटर की फल्ली अल्ली देखते हैं समझे, नहीं तो फिर बात। तो आप लोग को मजदूरी वगैरह ठीक ठाक मिल जाती है? नहीं अपन यहाँ मंडी में रहते हैं, मतलब मजदूरी कभी कभी यहाँ कर लेते हैं मजदूरी, नहीं तो फिर बाहर मजदूरी करते हैं। अच्छा। हाँ मतलब 200-300 रुपए 400 रुपए ऐसे मिल ही जाते। तो किसानों की हालत देख करके कैसा लगता है आप लोगों? अरे वो तो ऐसा तो लगता है कि नहीं गड़बड़ है, मजदूरी ठीक है, किसान की रंजा मजदूर तो 300-400 कमा ही रहो, किसान का कुछ नहीं है, 25,000 रुपए एकड़ का खर्चा है और बिक कितने क्यों रहो, एकड़ भर में ज्यादा ज्यादा 30 बोरा कोई को 40 बोरा और बिक रहा हो 12 रुपए 11 रुपए। आप भी किसान ही हैं? खेत हम बेच ही खेत जो पुर्जा रखे जी, पुर्जा रखे 25 बोरा लाए थे जिसमें 16,000 के भाई जी, तो रखो ना। हाँ इसमें लगभग खपत कितनी लग गई होगी आपका? 25,000 रुपए एकड़ का खर्चा, 16,000 रुपए लेके जा रहे हैं, 16,000 रुपए लेके जा रहा है, एक एकड़ के नहीं है जो 3 एकड़ के 2.5 के है। अच्छा। आप जेब से सब करेंगे, मैं आदमी भाई 5 रुपया तो हाँ 4 रुपया टूट रहा, 5 रुपया 1 रुपया गाड़ी का किराया किले पे बोरी बार दान और इनकी दलाली मंडी का सब सिस्टम। और हमने सुना की 50 किलो की बोरी में 1 किलो एक्स्ट्रा भी, अरे 2 किलो 900 ग्राम है, 950 ग्राम तो वो भी ले और 1 किलो वो भी ले, और किसान ऐसा ही है तो वो भी किलो से और ऐसा ही हम दी मजबूरी में उसको देना पड़ता है। अरे तब क्या कर है तेरा बेटा भागो, तब कोई सुनवाई नहीं, अंधा कानून है, कोई को 25 को बिक जाए कोई को 12 बिक जाए, कोई वो नहीं। और जो ये दावे किए जाते हैं कि किसानों को अच्छी फसल की उपज का जो तो मेहनताना सही तरीके से मिलेगा, ब्रांड बना दिया गया है जबलपुर के मटर को, जब से मोदी आया किसान बढ़ा नहीं पनपा नहीं, टैक्स लग रहा है, बेरियल लग रहा है, इससे गाड़ी नहीं मिले तो बेबी मैंगो ले रहे, कुछ नहीं, जब से मोदी बना है किसान के लाभ नहीं है, पूरी तरीके से नुकसान पे ही किसान भाई। आंकड़ा लगाओ, जब
पहले तो कछु नुकसान हो जाते बटरा सड़ गए तो पैसा मिल जाते पहले जो सरकार है हाथी अब पैसा मिले नहीं तुम्हारा और 600 रुपए एकड़ कट रहा हो बीमा को हमारे तो 5-6 जब से भी लग रहा हो बीमा दे रहा हो नुकसान हो सड़क होते एक दानो नहीं भाव एक पंजी नहीं मिली। लेकिन जैसे ये ब्रांड बनाने आ गया जब जबलपुर के मटर को तो ये कागज से जो है तो जमीन पर क्यों नहीं उतर पाए, किसकी लापरवाही मानते हैं? सरकार की अधिकारी, सरकार की अधिकारी, सरकार का रहे अधिकारी तो रात के बना फेरा था, कहूं सरकार का आदेश कर दे तो रात ही रात 200 के लिए रोड और सब व्यवस्था हो जाए। किसानों के लिए यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं मौजूद है? कच्चू नंजा बेच और चले जाओ और का है, सुबह शाम तक बैठे रहो। नहीं 12 बजे 1 बजे से आन लगाते हैं, शाम लोग बिक जाते हैं अपने वाहन जो ऑटो पे लाए हुए चले गए। अच्छा, और का कोई नहीं है तो बस पे निकल गए जी के हाँ बस ले जाते। रेट वही 10-12 ही लगभग यहाँ पे मिल रहा है। 10 से लगा के 14 रुपए जलो, एक दो को भेज दो 14-15, बाकी तो 10-11 9-8 पे चल रही है। तो ये बताइए एक चीज, हम थोड़ा सा जरूर इस चीज को जानने में इंटरेस्टेड है कि जो विदेशों में किसानों की फसल बेचने का वादा था जो किस जिला प्रशासन ने किया था, तो आखिर वो कौन से किसान हैं जिनकी विदेशों में फसल बेची जा रही है? कोई नहीं, कोई तो ऐसा है नहीं। पहले सुन रहे थे सिंगापुर जे है सब जहाँ कहाँ जा रहा हूँ, हम लोगों ने भी सुना कि सिंगापुर जाएगा, स्विट्जरलैंड जाएगा, हवाई जहाज पे जो है वहाँ की थालियों का स्वाद बढ़ाएगा, लेकिन यहाँ किसानों की थाली का स्वाद क्या? हमने पूछी क्या कारण है सस्ते का बिक रहे, तो भेजा कह रहा है कि पंजाब में होन लगो है भाग्या, सो वे जो उत्तर प्रदेश के आते खरीदार भी दे रहे आ रहे बे रहते भी खरीदते तो दोनों बिकते, तो पंजाब में होने लगा, तो ये जबलपुर की किसानों का अपराध है क्या? ऐसा है कि यहाँ से जात तो उत्तर प्रदेश सब जहाँ बेमाही के वहाँ पास खरीद रहे जी। नाम लगा है, कोई खुलवाने वाला नहीं है जी। न कोई अधिकारी है न कोई है, कैसे का काम चले बता। अच्छा, आप पल्लेदार? हाँ, पल्लेदार। तो किसानों को जब ये बेट वगैरह करते हैं आखिर इतना लेट क्यों लगता है? तो लेट इसलिए लगता है जाम के वजह से, जाम लग जाता तो कहाँ से गाड़ी निकल पाए? यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वगैरह की कोई नहीं आता इधर, नहीं है। और जो मंडी के कर्मचारी अधिकारी बैठते हैं वो क्या करते रहते हैं? वो कुछ नहीं, कोई आज देखो तुमको जगह कोई मंडी का अधिकारी यहाँ नहीं है, पल्लेदार और मुनीम के और किसान के अलावा कोई जगह तुमको वहाँ पे। और रेट जो तय होता है तो रेट यहाँ मंडियाँ तय करती हैं या व्यापारी खुद तय करके जाते? दलाल तय करता है, दलालों को भी कमीशन जाता होगा? जाता है, कमीशन का है, कमीशन कोई काम करता है। तो ये थे हमारे साथ जबलपुर की मंडी पे उपस्थित मटर से जुड़े हुए कुछ किसान, कुछ मजदूर और यहाँ आसपास के कुछ लोग जिन्होंने अव्यवस्थाओं को लेकर के, जबलपुर के किसानों को लेकर के अपनी बात रखी। बने रहें द खबरदार न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।